शेयर करूंगी आपके साथ अंडे पराठे की रेसिपी। नॉर्मल अंडा पराठा, उसे हम थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। हम बनाएंगे बॉइल्ड एग पराठा। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलिए। तो चलिए बनाते हैं बॉइल्ड एग पराठा। बॉइल्ड एग बनाने के लिए हमें चाहिए 3 हार्ड बॉइल्ड एग्स। आटा हमें चाहिए, आटा मैंने पहले से गूंद के रखा है, नॉर्मल गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी या चपाती बनाते हैं। मैंने थोड़ा सा नमक डाल के, पानी डाल के सॉफ्ट डो गूंद दिया है, जिस तरह से कि हम रोटी के लिए बनाते हैं। सबसे पहले हम अंडों को ग्रेट करेंगे इस तरह से, जो सबसे छोटा ग्रेटर है इससे मैं अंडों को ग्रेट कर लूंगी। इजिली ग्रेट हो जाते हैं ये। अगर आपको ग्रेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी आए तो आप अंडों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें तो ये इजिली ग्रेट हो जाएंगे। इसी तरह से मैं तीनों अंडों को ग्रेट कर लूंगी। अंडे मैंने ग्रेट कर लिए, अब मैंने एक बोल में ट्रांसफर करूंगी ताकि मिक्सिंग में आसानी हो। अब इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीजें। एक हरी मिर्च चॉप की हुई, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा प्याज मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून। आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, इसी भी 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे चाट मसाला, 1 पिंच हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। जिस तरह से नॉर्मल ऑमलेट में हम मसाले डालते हैं उसी तरह से इसमें भी डालेंगे। अब मसालों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रेटेड चीज 2 टेबलस्पून। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग अब हमारी रेडी है। यहाँ पर जो आटा आपको दिखाया था उससे मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। 3 अंडे में हम 4 पराठे बनाएंगे। अब एक पेड़ा लेंगे और थोड़ा सा आटा लगा के इसे बेलेंगे, जिस तरह से कि हम नॉर्मल पराठे के लिए बेलते हैं। बस इतना बेल लिया मैंने। अब मैं इसके ऊपर स्टफिंग रखूंगी। अच्छी खासी क्वांटिटी में स्टफिंग इस पे रखनी है हमें। और इस तरह से एजेस को उठाते हुए हम इसे सील कर लेंगे। इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना लूंगी। अब फिर से इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट करेंगे और पराठा बेलेंगे। पराठा अब हमारा रेडी है। अब हम इसे सेकेंगे। मीडियम हीट पे हमें इसे सेकना है। एक साइड से हो जाएगा तो टर्न करके दूसरी साइड से पकाएंगे। एक साइड से पराठा सेक गया, देख सकते हैं ऊपर बबल्स आने लगे। अब टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी पकाएंगे। अब हम इस पे लगाएंगे बटर। मैं यहाँ पर बटर लगा रही हूँ। अब घी, ऑयल जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। पराठा अब हमारा रेडी है। अब हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें।